हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चरित भट्ट। अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अगले हफ्ते निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। मंडे को मिड कैप निफ्टी का भी एक्सपायरी भी है, वो भी देखेंगे। कुछ इंडस्ट्री स्टॉक्स भी देखेंगे और कुछ स्विंग स्टॉक्स भी देखेंगे। वो देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। लास्ट वीक हम लोग का बहुत अच्छा गया है। जो मेरा वीडियो देखा है वीकली एनालिसिस का, उसमें आप लोगों को कम से कम अगर कुछ नहीं तो 1000 पॉइंट का मूव मिला होगा। तो उसमें से अपना अभी नेक्स्ट वीक जो रहेगा उसमें मुझे देखो मेरा क्या सीन है, मेरा जब सेटअप मेरे हिसाब से बनता है तब मैं अच्छा पोजीशन लेता हूँ। अच्छा अगर होता है तो हो गया, तब मैं क्या करता हूँ उसको मैं कैरी करता हूँ। मान लो कि इसको मैं रखूँगा, अभी कैसे रखूँगा, अभी मैं नेक्स्ट वीक, मान लो मैं लास्ट वीक में, अभी मेरा लास्ट वीक में मैंने कम से कम 1800-1900 पॉइंट कैप्चर किया टोटल, मतलब 1200 पॉइंट जैसे मैंने मतलब वीकली में कैप्चर किया और 700-800 पॉइंट मैंने इंट्राडे में कैप्चर किया 2-3 दिन में। ठीक है, तो मेरा लास्ट वीक अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो अभी मेरा सेटअप पूरा परफेक्ट बन रहा था तो मैंने पूरा उसमें यूटिलाइज। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम में अपना 300-350 पॉइंट या 400 पॉइंट मैक्सिमम में दूंगा, क्योंकि 1800-1900 पॉइंट में से मैं 400 पॉइंट मैक्सिमम दूंगा। तो आपको ऐसा करना, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे सेटअप से नहीं बन रहा है। ठीक है, मेरे सेटअप से नहीं बन रहा है, मतलब सेटअप बन रहा है लेकिन उतना मेरा वाला सेटअप नहीं है, जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ वो सेटअप नहीं है, तो नहीं है। तो इसलिए मैं पोजीशन साइजिंग कम करूँगा और मैं रिस्क कम लूँगा। अभी मैं मैक्सिमम 400 पॉइंट लूज़ करूँगा नेक्स्ट वीक, इससे ज़्यादा मैं लूज़ नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी का बात करो, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो उसमें मैं 400 पॉइंट मोस्टली मतलब मैक्सिमम में यूज़ करूँ। तो आपको ऐसा रखना है, क्योंकि अभी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होगा मार्केट में, तो आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, स्टॉप लॉस बढ़ा रखना पड़ेगा, देन आप पोजीशन साइजिंग में खेल सकते हो कि पोजीशन साइजिंग कम कर दिया देन स्टॉप लॉस बढ़ा रख लिया, आप उससे बच सकते हो। और आप ज़्यादा अभी एक दिन में कमाने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो एटलीस्ट जब तक इलेक्शन का आउटकम नहीं आता सबके, तब तक मार्केट में आपका जो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होते रहेंगे। तो इसलिए आपको बचना पड़ेगा, और आपको बस सुबह 9:15 को उठ के ट्रेड कर लिया ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है। इस मतलब मार्केट में होमवर्क जो नहीं करेगा वो पछताएगा। जो स्टॉक्स में भी आप स्टॉक ट्रेड करते हो उसमें भी आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा कहाँ रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है, कहाँ मार्केट अगर फॉल करेगा तो कहाँ, कौन से पॉकेट्स में मार्केट में फॉल कम करेंगे, तो कहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटिलिटी कम हो, मतलब कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मार्केट में अभी के लिए। तो जस्ट 9:15 को उठा देन ट्रेड कर लिया, तो इससे आपका अभी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला। तो होमवर्क ज़रूरी है, होमवर्क करो। मैं जो चार्ट दिखाता हूँ उसको आप सीखने की कोशिश करो, आप उसमें रैदर की पोजीशन बना के वैसा करने की कोशिश मत करो, सीखने की कोशिश करो कि मैंने क्यों बोला और कैसा लग रहा है अभी मार्केट। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं बैंक निफ्टी देखते हैं। तो अच्छा ठीक है, और एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में 2-3 सेक्टर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मार्केट जब फॉल करता है ना तो मार्केट बहुत ही डेंजरस तरीके से फॉल करता है। आपका 10% का लॉस कब 15% में बदल जाएगा, कब 15% का लॉस आपका 40% में बदल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए थोड़ा संभल के, लेकिन जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड देख रहा है अगर कोई सेक्टर है तो वो निफ्टी बैंक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में है, और आपका FMCG में थोड़ा सा है, बस ये 2 सेक्टर मुझे दिख रहा है। IT में थोड़ा सा है, बट फिर भी IT मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो मुझे लग रहा है 2 सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा बैठ रहा है, बैंकिंग सेक्टर एंड FMCG सेक्टर। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी अगले हफ्ते क्या हो सकता है। देखो बैंक निफ्टी में सिंपल है, मैं एकदम एक आपको रेंज दे देता हूँ, 47100, मतलब इस कैंडल के ऊपर, ये वाला कैंडल, ये कैंडल के ऊपर 47100, देन नीचे आपका 46400 पकड़ लो, ये वाला जोन, ये वाला कैंडल पकड़ो 47400। इस जोन पे अगर कोई वीकली ट्रेड करता है ये जोन नो ट्रेडिंग जोन होगा, ये वाला जोन नो ट्रेडिंग जोन होगा अगर कोई वीकली में ट्रेडिंग करता है। अगर 47100 टूटा देन आपको ज़्यादा, अब इस नेक्स्ट वीक अब ज़्यादा मत रखना, 47700-800 इस लेवल तक का टारगेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये टूटा तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा ये वाला टूटने से। अगर ये वाला टूटा 400 टूटा तो उसमें भी 400 टूटने से आपका ज़्यादा आप टारगेट मत रखो, ज़्यादा टारगेट मत रखो, आपका 45800 ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन इसका लो से थोड़ा ऊपर 45800 तक का टारगेट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक का रेंज मुझे ये वाला जोन लग रहा है। ठीक है, ये वाला जोन मुझे नेक्स्ट वीक का रेंज लग रहा है। और अभी अगर ये 47100 तोड़ता है तभी आपको ट्रेड मिलेगा वीकली में, मैं वीकली का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम ऊपर कितना है, 47700-800, देन नीचे 45800-700। अभी मार्केट बीच में है, 46500 में है, 500 ऑलमोस्ट 5494 में क्लोजिंग हुआ है,
तो यहाँ पर है, तो आपको इस तरह से ट्रेड करना है। नेक्स्ट वीक के लिए एकदम सिंपल है, ये रखेंगे हम लोग, ज़्यादा इसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे और ज़्यादा इसमें देखेंगे नहीं कि ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा टारगेट है। देन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना। अभी मान लो 47,100 टूटा, इस जोन को टूटा, अभी मान लो कि यहाँ पर जाके ऐसे करके ब्रेक करके टूटा तो ना आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो हो जाएगा। तो मान लो 200-300 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड का थोड़ा कम बैठेगा, क्योंकि 200-300 में आप स्टॉप लॉस रखने से आपका 600-700 पॉइंट का है, तो मतलब 1:3 में, मोस्टली 1:3-4 में काम नहीं करता वीकली में, मैं 1:6-7 में काम करता हूँ अगर मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ तो। ठीक है, तो ये वीकली का हो गया। अभी इंट्राडे देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी जो मूव कर सकता है, इंट्राडे में भी सिंपल है, 46,700 के ऊपर ही बुलिश होगा। 46,700 इन द सेंस ये वाला जोन के ऊपर जब आएगा 46,700 के ऊपर बुलिश होगा। फिर हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा 46,950 इस जोन तक, 900-950 इस जोन तक टारगेट हो जाएगा, मतलब 47,000 के पहले पहले आपको टारगेट पहला हो जाएगा। देन आपको इतना था कि पहले रखो, इंट्राडे के लिए इतना ही रखो, ज़्यादा मत रखो, और अभी प्रॉफिट बुक करना सीखो कि हाँ यहाँ तक आके देन प्रॉफिट बुक करो, देन आप रिलैक्स बैठो थोड़ा सा, देखो देन बाद में आधा घंटा एक घंटा देखो चार्ट को, देन वहाँ पर बाद में ट्रेड लो। क्योंकि अभी मार्केट में देखो ये कैंडल, एक कैंडल बनता है, फिर बनता है, फिर ये बनता है, फिर यहाँ पर देखो स्पाइक मारा, फिर एकदम नीचे आ गया, तो इसमें आपका अगर पोजिशन साइजिंग ठीक नहीं होगा आपका, अगर यहाँ पर अगर कोई ट्रेड लिया देन यहाँ पर अगर कोई बुक नहीं किया देन उसका लॉस होगा, अगर ऑप्शन बायर को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में। तो 46,700 के ऊपर 46,950 तक का मैक्सिमम टारगेट हो जाना चाहिए अगर फ्लैट ओपन होता है तो। फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन हो गया अगर ये 46,400 को तोड़े, 46,400 को तोड़े, ठीक है, 46,400 को तोड़ने से आपका पहला टारगेट हो जाएगा 46,100 एंड ए वाला जोन एंड 46,000 राउंड लेवल से थोड़ा पहले पहले आप उसको बुक कर सकते हो। तो ये हो गया फ्लैट ओपन होने से। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो मान लो 46,700 के ऊपर गैप अप भी हो गया, इसके ऊपर गैप अप हो गया, देन हम लोग का थोड़ा के लिए बायसनेस बुलिश रहेगा, लेकिन हम लोग को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर ओपन हो गया, देन हम लोग को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, अगर ये फिर से आके फिर ये ऊपर जा रहा है क्या, तब हम लोग यहाँ पर बाय कर, टारगेट विल बी द सेम, रिमेन द सेम। देन नीचे भी अगर गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे, देन हम लोग को देखना है पहला एक प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक आके, देन अगर इसको ब्रेक करेगा तब हम लोग टारगेट हो जाएगा। देन हम लोग तब अगर ऐसा बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो हम लोग का टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखना, जैसे 46,000 देन ऊपर 47,000, मतलब आपका 50-100 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा अगर आप गैप डाउन या गैप अप होता है। अब देखते हैं निफ्टी, निफ्टी वीकली देखते हैं पहले। 22,200 के ऊपर अगर क्लोज होता है, मतलब क्रॉस होता है, 22,200 के ऊपर क्रॉस होता है, देन हम लोग का टारगेट छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, 450 मैक्सिमम, मतलब ये वाला जोन से पहले पहले आपको टारगेट बुक करना, प्रॉफिट बुक करना है। ये 200 पॉइंट का ही मूव मुझे दिख रहा है वीकली में, ठीक है, इसके ऊपर हो सकता है। मैं देखो मेरा क्या है कि इतना तक जाएगा फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर बहुत नीचे आ गया देन आपको पहले बुक करके बैठा रहना, देन देखना है कि यहाँ पर प्राइस कैसा बन रहा है, देन प्राइस साइडवेज रहेगा देन ब्रेक करता है देन आपको अच्छा मूव मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ तक पहले तो बुक करना है कि आपको ऊपर रेजिस्टेंस पहले बुक करना है, देन चुपचाप बैठे रहना है, देखना है प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, देन आपको ट्रेड करना। आप इसको रखोगे कि हाँ ऑल टाइम हाँ जाए, हाँ ही चला जाएगा, ये सब फलाना ढिमकाना मत रखो अभी प्लीज़। हाँ, देन आपका 22,000 के ऊपर 22,200 के ऊपर 22,400 तक का टारगेट हो जाएगा, और नीचे के में 950 के नीचे 21,950 के नीचे आपका टारगेट हो जाएगा 21,600। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट इन द सेंस कि ये यहाँ तक आ जाएगा, ये 22,600 तक का टारगेट दिख रहा है मुझे, यहाँ तक का टारगेट दिख रहा है। अगर ये 950 ट्रेक करता हूँ नीचे की साइड में 350 पॉइंट, ऊपर की साइड में 200 पॉइंट मुझे अभी दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे क्या होता है मार्केट में, कौन सा मूव आता हो गया। ये वीकली एनालिसिस हो गया कि 22,200 के ऊपर 22,400, 21,950 के नीचे 21,600 तक का हम लोग का दिख रहा है। अभी निफ्टी इंट्राडे देखते हैं, इंट्राडे में जो लग रहा है कि 22,050 के ऊपर, मतलब ये जोन के ऊपर 22,050 के ऊपर फ्लैट ओपन होने से 22,050 के ऊपर अगर जाता है तो 21,150 तक हम लोग टारगेट हो जाना चाहिए, ये वाला जोन तक का टारगेट हो जाना चाहिए, मतलब 100 पॉइंट का मूव मिल सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर जाता है। फ्लैट ओपन अगर 980 को इस रेंज को तोड़ता है, 980 को तोड़ता है, 980 को तोड़ने से हम लोग 870 ए वाला जोन तोड़ के नीचे आ जाएगा, 870 इस जोन तक, 850-870 इस जोन तक आ सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर 980 को फिर से तोड़ता है। तो क्लोजिंग दिया है 22,023 में, थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इस लेवल पे कहीं पर क्लोजिंग दिया है, देन अगर नीचे 980 को क्रॉस करता है देन हम लोग का टारगेट मतलब 21,870-850 तक का मिल सकता है। ये फ्लैट ओपन होने से, अगर गैप अप हो गया सेम गैप अप होने से हम लोग को देखना है, गैप अप होता है 22,050 के थोड़ा सा गैप अप हो जाता है, देन हम लोग को देखना है कि ये पहले पुल बैक करके फिर जा रहा है क्या, देन हम लोग को वहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। देन सेम इन लाइक डाउन साइड में गैप डाउन होता है, देन हम लोग को देखना है कि पहले प्राइस कैसा मूव कर रहा है, देन हम
हम लोग उस हिसाब से ट्रेड करना है। डाउन से होने से भी आप लोग को बुलिश बेयरिश रखना है और गैप अप होने से हम लोग को बुलिश रहना है, लेकिन हम लोग को प्राइस एक्शन देख के, बस बिना प्राइस एक्शन देखे मत रखना। बहुत बड़ा अगर गैप अप गैप डाउन होता है, ठीक है, मैं ये बताना बैंक में भूल गया, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, मतलब 200 के आसपास हो गया, 1% 1.5% का यहाँ पर नीचे एकदम बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, देन हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ा टाइम। और एटलीस्ट मैं तो वेट एंड वॉच पूरा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन होने से थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन होकर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया फिर आपको एक अच्छा सा मिला, देन यहाँ पर अगर आपको कोई प्राइस एक्शन मिला देन आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप में आप पहले 5 मिनट में अगर आपको कुछ बेयरिश सिग्नल मिलता है 5-10 मिनट में देन आप वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो गैप डाउन में भी आपको शॉर्ट मतलब आप बेयरिश रहना, लेकिन पहले अच्छा पुल बैक आने देना मार्केट में, देन उसके बाद आप उसमें बेयरिश हो सकते हो। और बहुत बड़ा गैप अप में आप पहले 5-10 मिनट में अगर प्राइस एक्शन आपको बेयरिश मिलता है देन आप उसमें बेयरिश हो सकते हो। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी का जो एक्सपायरी मंडे को। अगर मिड कैप निफ्टी 520 के ऊपर, ठीक है, 520 के ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर 520 इस जोन को क्रॉस करता है, 520 इस जोन को क्रॉस करता है, देन हम लोग को मिल जाएगा 590 तक का टारगेट मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 600 के आसपास जो इसको तोड़ के ऊपर जाने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, तो 600 590 इस तरह का टारगेट मिल जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर 10,440 को मतलब इस जोन को अगर तोड़ता है, ये 440 को तोड़ता है फ्लैट ओपन होकर, तो हम लोग को नीचे की तरफ टारगेट 10,320 तक का मिल सकता है, मतलब इसके जस्ट ऊपर थोड़ा यहाँ तक 320-330 इस तरह का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। अगर बहुत गैप अप होता है देन सेम रखना है, गैप अप गैप डाउन में सेम रखना है, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन में जैसे बोला मैं निफ्टी में सेम रखना है, तो आपको फ्लैट का बता दिया और गैप अप गैप डाउन में सेम रखना है। और आपको देखना है पहले कि फ्लैट ओपन हो, देन सबसे बेस्ट रहेगा फ्लैट ओपन होकर अगर 520 को ब्रेक करता है तो, और या नीचे 440 को ब्रेक करता है तो, ये लेवल्स है। और अगर देखो मार्केट में अगर आप एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो सेकंड हाफ का ट्रेड करो, मान लो गैप फ्लैट ओपन हो गई ये थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, देन सेकंड हाफ में तोड़ा, देन आपको जो सेकंड हाफ में अगर मान लो आप 1 बजे के बाद में अगर ट्रेड करते हो उस टाइम पे आप अगर मिड कैप निफ्टी में आपको 40-50 पॉइंट का मूव मिल गया ना, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इंटरडे स्टॉक्स देखते हैं कुछ मंडे के लिए, ठीक है, सबसे पहले डीएलएफ हम लोग सेलिंग के लिए देखना है, फ्लैट ओपन हो के मतलब ये गैप अप नहीं होना चाहिए, 830 के ऊपर नहीं ओपन नहीं होना चाहिए, 830 के ऊपर ओपन ना हो, फ्लैट होकर 820 को ब्रेक करे, 820 को ब्रेक करने से हम लोग को इसमें 4-5 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील में आप लोग को सेलिंग के लिए देखना है, ये आपको 770 के ऊपर गैप अप नहीं होना चाहिए, 770 को गैप अप नहीं, फ्लैट ओपन होकर ये 765 को तोड़े, देन हम लोग का इसमें 3-4 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाना चाहिए, ये सब लेवल ब्रेक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इसको नीचे आना है तो ये सब लेवल ब्रेक करना चाहिए, तो इस हिसाब से आपको टारगेट रहना। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड आपको बाइंग के लिए देखना है, ये फ्लैट ओपन हो, ये मतलब गैप डाउन नहीं होना चाहिए, 263-264 के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, इस लेवल के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, देन फ्लैट ओपन हो के ये 267 को तोड़े, 267 लेवल को ब्रेक करे, देन इसमें आपको 1-1.5 रुपये स्टॉप लॉस रखना, तो 1:2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाना चाहिए, ये सब लेवल इस सब तोड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 272-273 का लेवल दिख रहा है अगर ऊपर जाना। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन में आपको बाइंग के लिए देखना है, ये गैप अप नहीं होना चाहिए, 3620 के नीचे गैप अप नहीं होना चाहिए, 3620 के नीचे गैप अप नहीं होना चाहिए, देन फ्लैट ओपन होके 3635-3637 इस सबको तोड़े ऊपर की तरफ, देन आप इसे ट्रेड कर सकते हो, देन इसमें आपका 15-20 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा, टारगेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, एटलीस्ट 3700 तक या फिर 3720 तक का टारगेट मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो 8330 के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, देन फ्लैट ओपन होकर 8300-8355 इस क्रॉस करते ही आप इसे ट्रेड ले सकते हो, इसमें आपका 30-40 रुपये स्टॉप लॉस रखना, 1:2 का मिनिमम टारगेट हो जाएगा, टारगेट मुझे तो बड़ा दिख रहा है, अगर होता है तो टारगेट इस लेवल तक तो एटलीस्ट आना चाहिए पहले, ठीक है, 600 के ऊपर तक आना चाहिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी देखते हैं कुछ स्विंग स्टॉक, पहला स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील देखो अभी ये सब स्टॉक अभी ना आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, टारगेट तो बड़ा रखना है, लेकिन इसमें आप पोजीशन साइजिंग कम करो अभी, क्योंकि मार्केट में सडन मूव आएगा, अब अगर पोजीशन साइजिंग ठीक से नहीं करोगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अभी पोजीशन साइजिंग देखना है और थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड करना है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लेके बस भूल जाओ और प्रॉफिट होता रहेगा, ये ऐसा टाइम नहीं है, अभी आपको बहुत अलर्ट रहना है। देखो ये नीचे की तरफ ये सब जो स्विंग स्टॉक्स दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पोजिशनल भी ट्रेड मिल सकता है, पोजिशनल भी आप रख सकते हो अगर आपको मन करे तो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से बैठ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, हम उसे रख सकते हो, जैसे कि इस स्टॉक में भी मैं हर जो स्टॉक दे रहा हूँ आप उसमें कर सकते हो, जैसे इस स्टॉक में आप देखो ये वाला 144
इस जोन को ना तोड़े, 144-143 जोन को ना तोड़े, ठीक है, यहाँ पर है, देन इसको इस ब्रेक करें, 157-158 को ब्रेक करते आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। हाँ, अगर इसमें साइडवेज रहता है देन तो अच्छा है, देन फिर तोड़ेगा देन अच्छा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर आपको मान लो कि आप ब्रेक कर दिया, ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड ले लिया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, ये सब रेंज रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये सब रेंज तोड़ देगा, देन तोड़ के पहला यहाँ पर तो आएगा। और यहाँ पर भी देखो दो तीन बार टेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर आके अगर साइडवेज रहकर थोड़ा फिर से ब्रेक करता है देन आपका ये लाइफ ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, जो लाइफ हाई है इसका, लाइफ हाई भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर ये दो फिर यहाँ पर आएगा, फिर अगर यहाँ पर मान लो इस रेंज पे भी एक क्रॉस कर लेता है अच्छे से, 180-185 ऐसे को क्रॉस कर लेता है, देन थोड़ा सा टाइम रह के क्रॉस कर लेता है, देन यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पर आके फिर थोड़ा सा साइडवेज रह के थोड़ा नीचे रिट्रेस आके देन फिर से इसको ब्रेक करता है, देन आपका मैं बोलूँ ना वो आपको पोजिशन ट्रेड भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप स्विंग हिसाब से करो देन मैक्सिमम आपका टारगेट हो जाना चाहिए 180-185 इस रोन तक का टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका कैसा बनेगा कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए, बस इसके नीचे ना आके अगर इसको ब्रेक करता है 157-158 को ब्रेक करते हैं, इसे ट्रेड कर सकते। नेक्स्ट स्टॉक है मैक्लोड रसल में आप देखो ये वाला स्टॉक ना बी कैटेगरी का है, मतलब ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी का है, इसमें आपको डिलीवरी के बिना आप इसमें सेल नहीं कर सकते, तो संभल के, ये लोअर सर्किट भी मारता है, अपर सर्किट भी मारता है, हर चीज़ होता है इसमें। जस्ट मैं क्यों लाया, थोड़ा पेनी स्टॉक टाइप का भी, और इसमें दिख रहा है जो मतलब मुझे दिखेगा मैं वो करेगा, और इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर हो सकता है तो अच्छा मूव आएगा, ठीक है। इस लेवल को इसने टेस्ट कर लिया अपना, जो जहाँ पर शार्क बाइंग आया था उसके ऊपर ही ये फिर से बाइंग दिखा रहा है। देखो इसमें तो एकदम क्वांटिटी कम रखना, एकदम अपने जो नॉर्मल क्वांटिटी उससे आधा रखना, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में है और इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इस लेवल को ना तोड़े। हाँ, पॉइंट्स में नहीं बताऊंगा, आप बस देख लेना इस लो को ना तोड़े, देन ऊपर को ये अगर इस जोन को भी तोड़ देता है, ऊपर इस जोन को तोड़ के ये जाता है, देन हम लोग का टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा इन द सेंस कि ये बहुत मतलब वॉलेटाइल मूव करता है, तो इसमें आपका हो सकता है कि देखो यहाँ पर भी ये सब भी टेस्ट हो चुका है बहुत बार, तो ये जाने से ना अभी रुकेगा नहीं कहीं पर। जैसे ये वाला जोन पे ये वेट किया था, मतलब दो बार टेस्ट हो चुका है, तो फिर जाएगा, या अगर होल्ड करके फिर तोड़ता 32-33 लेवल, तो ये आपका ऑल टाइम हाई आराम से पहुँच सकता है। ऑल टाइम हाई नहीं, इसका हाई बहुत ज़्यादा, मतलब पुराना हाई बहुत ज़्यादा है, 300-400 रुपये का ये स्टॉक है। अगर आप लोग वीकली चार्ट में देखोगे तो पता चलेगा ये 300-400 रुपये का स्टॉक था पहले। देखो 400 रुपये इसका ऑलमोस्ट हाई है ना, हाँ 380-85 का हाई है, तो ये नीचे पड़ा हुआ है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो ये नीचे पड़ा, अगर मंथली में देखोगे ना आपको सबसे अच्छे से पता चलेगा। देखो ये अगर यहाँ से ब्रेक करता, देखो अगर इसको ब्रेक करना होता नीचे ना तो बहुत दिन वेट कर रहा है। अगर ये ऊपर की जोन इसको ब्रेक कर देता ना एट ए, मतलब किसी भी इसमें ये ब्रेक करता तो इसमें बहुत बड़ा मूव आएगा, बहुत बड़ा मूव आएगा, कि आपका अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आएगा। पेनी स्टॉक में ऐसे होता है अक्सर कि अगर इस तरह का मूव आता है, सबसे पहला लेवल तो ये वाला दिख रहा है 100-125 तक का आराम से आएगा। अगर इसको इस जोन को तोड़ता है तो पहला लेवल तो ये इसके नीचे तो आएगा ही नहीं, या बहुत लंबा पोजीशन हो सकता है साल दर डेढ़ साल के लिए, लेकिन इसको तोड़ेगा तो ये यहाँ तक जाएगा कम से कम, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं ऐसा। तो ये मंथली कैंडल में भी थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या है, अभी ट्राई करेंगे तभी तो बनेगा ना पैसा। हम लोगों को क्या फॉलो करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, दैट्स इट, और बाकी आप करते रहो तभी आपका सब कुछ होगा। साइकोलॉजी अच्छे से रखना है, आप सब कुछ कर सकते हो तब ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्टॉक है कार्बोनडम इमर्सन, ये नीचे अच्छा बना रहा है, बहुत टाइम तक यहाँ पर होल्ड कर रहा है खुद को, बहुत अच्छी बात है। अगर इसको तोड़ता है इस लेवल को, और इस नीचे इस लेवल को ब्रेक ना नहीं करना चाहिए, देन ऊपर अगर इस लेवल को तोड़ता है देन हम लोग का ये ट्रेड बन सकता है। देन ऊपर हम लोग का टारगेट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि देखो ये सब जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, ये सब जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है। अगर अभी ये इस जोन को तोड़ के यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा 1180, मतलब ये सब रुकना नहीं चाहिए, डायरेक्ट जाना चाहिए। देन ऊपर भी ये सब अच्छे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, तो ये सब रेंज भी ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा, और ये सब तोड़ के चला जाना चाहिए। तो इसलिए ये सब ट्रेड जो मैं बोला ना कि आपको इसको पोजिशनल भी कर सकते हो, मतलब स्विंग से पोजिशन, अगर कोई स्विंग करता है देन पहला टारगेट उसका ये वाला जोन ही होगा, अगर ये तोड़ता है तो ये वाला टारगेट आपको हो जाना चाहिए, 7-8% का मूव मिलेगा, दैट्स ओके। देन आपका नीचे भी स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो स्टॉप लॉस बड़ा रखना, लेकिन पोजिशन साइजिंग में बार बार आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी मार्केट में बस न्यूज़ भी, एक दिन न्यूज़ आएगा तो 3-4% अप मूव होगा, एक दिन न्यूज़ आएगा 3-4% डाउन मूव होगा, स्टॉक्स 15-20% गिरेंगे, 20% उठेंगे, तो इसलिए आपको संभल के ट्रेड करना। स्टॉक के करूर विषय में देखो, करूर विषय सेम है। अभी करूर विषय का अगर एकदम स्विंग पर्पज से ले रहे हो तो ये वाला लेवल नीचे की तरफ नहीं तोड़ना चाहिए, देन ऊपर इसको ब्रेक करें, देन आपका पहला टारगेट ये रेंज का आराम से मिल सकता है। देन इसके ऊपर मतलब
पोजिशनल जो करेगा उसके रखना। अगर पोजिशनल कोई करना चाहता है देन ये वाला उसका मतलब मेन पॉइंट रहेगा, ये मेन पिवट रहेगा, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। देन ऊपर की तरफ ये सब लेवल तो आराम से तोड़ना चाहिए। देन पोजिशनल कोई करता है तो देन इसका आपका बाद में लाइफ हाई तक का टारगेट बन जाना चाहिए। पोजिशनल कोई करता है तो अगर ये सब तो लाइफ हाई का टारगेट भी आपका बन जाना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान। नेक्स्ट स्टॉक है HBL पावर। HBL पावर देखो ये स्टॉक ऑल एज बहुत दूर जा चुका है, लेकिन अगर किसी को फिर भी करना है तो ये वाला अगर स्विंग में करता है तो ये वाला इसको इनिशियल स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगर पोजिशन करता है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इनिशियल स्टॉप लॉस ये रहेगा। देन इसमें ये वाला लेवल ब्रेक करते ही ये स्विंग के लिए ये वाला लेवल ना ब्रेक करे, देन यहाँ पर रह के ये इस लेवल को ब्रेक करे, देन आपका पहला टारगेट ये वाला जोन मिनिमम हो जाना चाहिए। देन उसके बाद आप इसको ट्रेल करने से कर सकते हो या फिर प्रॉफिट बुक करने से कर सकते हो, आपकी मर्जी। देन अगर कोई पोजिशनल करता है देन ये वाला आपको उनका मेन स्टॉप लॉस रहना चाहिए। देन अगर ये तब इसका ये टारगेट नहीं रहना चाहिए, तब इसका टारगेट रहना चाहिए ऑलमोस्ट लाइफ हाई के आसपास 575-580 के आसपास उसका टारगेट हो जाना चाहिए लाइफ हाई के आसपास। और अगर कोई सोचता है कि हाँ लाइफ हाई में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता है, देखता हूँ स्टॉक कैसा मूव करता है, अगर लाइफ हाई को तोड़ता है देन हम लोग उसमें बाद में फिर से आप पोजिशन ऐड कर सकते हो। तो ऐसा करना चाहिए कि इसमें देखो आप जब पोजिशनल ट्रेड करते हो तब आपको ऐसा करना थोड़ा सा चर्न करना पड़ता है। मान लो कि अभी लाइफ हाई आपने 100 स्टॉक लिया, लाइफ हाई के आसपास चला गया, आपका जो एक जस्ट इनिशियल टारगेट था वहाँ पर आप 50% बुक करते हो, देन आप वेट करो 50% बुक करो, वेट करो। अगर मान लो स्टॉक फिर से रिट्रेस करके उसको तोड़ता है देन आप वो 50% फिर से कैपिटल डिप्लॉय कर दो, देन आप उसमें रख सकते हो, देन वो आप थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो। अगर लाइफ हाई कोई स्टॉक क्रॉस करता है देन थोड़ा लंबा जाता है, अभी मान लो 600 क्रॉस करेगा, अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा 600 क्रॉस करेगा देन आप इसमें अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा, आपको हो सकता है 200-300 पॉइंट्स का फिर ऐसे मूव मिल जाए। तो ऐसे ही होता है ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको बस फास्ट मूव पकड़ना। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ से ब्रेक किया देन आप ट्रेड लिया, देन यहाँ पर आप बुक कर लिया, आपको नहीं देखना है कि स्टॉक 1000 जा रहा है या 2000 जा रहा है, आपको पोजिशन में देखना है कि स्टॉक 1000 जा रहा है या 2000 जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मैं बार बार बता रहा हूँ इस महीना आप थोड़ा संभल के, और नेक्स्ट वीक जो मुझे अच्छे से लग रहा है, जो जितना लग रहा है मैं वो बताया अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे सेटअप से नहीं बन रहा है मार्केट, तो मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करना पसंद नहीं करूँगा। लास्ट वीक बना था, लास्ट वीक आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके भी देख सकते हो, देन मेरे ट्विटर में भी जाके देख सकते हो, आप वहाँ पर फॉलो करना तब आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और यूट्यूब में अगर सब्सक्राइब करके तो कम्युनिटी पोस्ट में एक्टिव रहना, क्योंकि मैं वहाँ पर देते रहता हूँ। लास्ट वीक देखना मैंने 2-3 दिन ट्रेड दिया, दोनों दिन ट्रेड एकदम एग्जैक्ट वही हुआ है। मैं देखो मेरा सेटअप, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा सेटअप जिस दिन बनता है मैं उस टाइम पे मैं अच्छे से ट्रेड करता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता है। लास्ट वीक मुझे मेरा सेटअप बना, मैंने 1200 पॉइंट ऊपर एकदम टॉप से मैंने कैप्चर किया, देन 1200-1300 पॉइंट का मुझे मूव मिला। देन मेरे इंटर टाइम में मुझे 2-3 दिन मेरे सेटअप के हिसाब से मिला, मैंने अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किया। तो वही अभी नेक्स्ट वीक मेरा सेटअप पे नहीं बन रहा है। हाँ, तो अगर मैं अभी प्राइस एक्शन देखूंगा उस हिसाब से ट्रेड करूंगा, 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मेरा अभी उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। मैं पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम कर दूंगा, मैं जो लास्ट वीक मैंने जो मैंने कमाया था उसका मैं 20% मैक्सिमम में रखूँ। मान लास्ट वीक मैंने मान लो 50,000 कमाया तो 20% रखूँगा, कि 20% ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा, मतलब 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 40,000 कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि मैं 40,000 कैरी फॉरवर्ड तब करूँगा, क्योंकि मुझे अगर मैं उसके नेक्स्ट वीक अगर मेरा सेटअप मिल गया देन मैं उसमें 20,000 लॉस लेके ट्रेड कर सकता, 20,000 का मेरा लॉस रहेगा, देन मैं उसमें 20,000 लॉस रहेगा। देन मैं फिर से देखो मैं 1.5 लाख रुपये, क्योंकि मैं आपको पहले बोला मैं 1:67 के नीचे मैं काम नहीं करता, देन मेरा 1.5 लाख बन जाएगा। देन ऐसा करके आप उसको बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। वही होता है ट्रेडिंग का, आपको कब आपको बैकफुट में जाना है, कब आपको फ्रंट फुट में आके एडवांस होके जो होता है चक्का मारना है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये बहुत बॉल हाफ वॉली पे था, मैंने पूरा एडवांस होके मैंने चक्का मारा, ठीक है, स्टेप अप करके मैंने छक्का मार दिया। तो वही आपको देखना है कि आपको कौन सा बॉल पे आपको छक्का मारना है, कौन सा बॉल आपको डिफेंड करना है। तो अभी मेरा नेक्स्ट वीक मेरे लिए डिफेंड वाला है, मेरे लिए मतलब बाउंसर जाएगा, तो मैं डक करना पसंद करूंगा। डक मतलब मैं खेलने के लिए ट्राई करूंगा, अगर मेरा एकदम थोड़ा अच्छे जा रहा है देन सचिन वाला वहाँ पर कट मारने की कोशिश करूंगा, नहीं होता है देन मैं जस्ट मतलब मैं लीड छोड़ दूंगा, लेकिन मैं वो रिक्स नहीं लूँगा, मैं अपर कट मारने की सचिन की तरह कोशिश करूँगा, अगर नहीं होता है देन ओके। अपर कट मारने की कोशिश कर मैं हो सकता है कि कीपर के ऊपर से चौका भी हो जाए, अगर नहीं तो नहीं लगने से तो बच गया तो ठीक है, वैसा टाइप का, बस मुझे आउट नहीं होना है, दैट्स इट। तो यही आज के लिए इतना ही था, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखें।